कांग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छा. थैंक यू, थैंक यू सो मच. 18 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं. सो कैसा फीलिंग है, कैसा फील करें पहले विद्या मैम? बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत खुश है जैसे आप देख सकते हैं. क्योंकि हमारी मेहनत रंग लाई है, हमने बहुत प्यार से, ईमानदारी से, मज़े से ये फिल्म बनाई है. और बहुत ही साधारण लोगों की, मतलब एक परिवार की कहानी है ये, और सभी के दिलों को छू रही है. तो लोग हमसे ऐसी ऐसी चीज़ें कह रहे हैं जिसे सुन के कभी कभी हम भावुक हो रहे हैं. मुझे लगता है कि ये इतने इतनी आम कहानी है, जो हमारा पूरा देश मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास की एकदम एक परिवार की कहानी है जिनकी 12 साल से शादी है. और मैं मतलब ऐसे हज़ारों लोगों को जानता हूँ जो इतनी खुश हैं. उनके वो अशोक हैं, वो सुलू हैं, वो ऐसी नाचते हैं, वो ऐसी मस्ती करते हैं, वो छोटी सी प्रॉब्लम पे पूरा घर जो है हिल जाता है, और फिर कैसे वो साथ आता है, समेट लेते हैं एक दूसरे को. तो ये मुझे सुरेश डायरेक्टर की ये बात सबसे अच्छी लगी कि कोई भी प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है पर उतनी छोटी भी नहीं है. ऐसा भी नहीं है कि उस प्रॉब्लम को लेकर अगला दिन खराब हो गया, ऐसा भी नहीं है. अगला दिन फिर सब ठीक हो जाता है, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आती है. तो जैसे आम जिंदगी है हमारी, उस जिंदगी की करीबी कहानी, और वही सब देख रहे हैं. जो जाता है वो बोलता है, अरे तो मैं हूँ अशोक, तो मैं हूँ ये सुलू, तो मैं हूँ, अरे मेरी माँ भी ऐसी है. तो इतनी ज़्यादा ऐसी फिल्म जो सबकी फिल्म है वो पहली बार हुआ है, और ये सब लोग खुश हैं इस बारे में. So, क्या फीडबैक मिल रहा है इंडस्ट्री से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी है और लोगों को फिल्म भी बहुत ही पसंद आ रही है, तो आप बताइए. हमारे स्क्रीनिंग्स हुए, एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिन्होंने फिल्म देखी और जिनको फिल्म मज़ेदार नहीं लगी. हर एक ने कहा कि यार बहुत अच्छी फिल्म है, खुश हो गए. और यू नो, फर्स्ट हाफ में बहुत हंसे, फिर आप लोगों ने रुलाया भी, पर फिर भी निकलते वक्त सब खुश लग रहे थे. और वही ऑडियंस से भी सुनने को आ रहा है, तो अच्छी बात है. सो बेस्ट पार्ट आई थिंक कि सारी टाइप की ऑडियंसेस को मूवी अच्छी लगी. हाँ, कोई भी सिलेक्टेड नहीं थी यूथ या कोई एज वाले. एग्जैक्टली, हाँ, जैसे ये कह रहे थे कि 8 से 80 सब देख रहे हैं फिल्म. वैसे मेरे जो बच्चे हैं, मतलब मेरी बहन के बच्चे जुड़वा हैं, वो 6 साल के, उन्होंने भी बैठ के फिल्म देखी और उनको भी काफ़ी जगह पे मज़ा आया. तो आई थिंक इसमें यू नो, कोई जिस उम्र के भी हो आप रिलेट कर पाते हैं. आप जहाँ भी ज़िंदगी में हो, मतलब कि जिस स्टेज में भी हो, आप इस फिल्म से रिलेट कर पाएंगे. अनिता जी, नंबर्स में कितना बिलीव करती हैं आप? क्योंकि कहा जाता है कि इंडस्ट्री में 100 करोड़, 200 करोड़, लेकिन ऐसी छोटी फिल्में भी अगर इतना अच्छा बिजनेस करे तो भी बहुत बड़ी बात है. आई थिंक 100 करोड़, 200 करोड़ का मैंने सोचा नहीं है. मुझे कभी फंडा समझ में भी नहीं आया, बिकॉज आपका जो रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. जितना हमने पैसा डाला है उतना वापस आ गया, तो पहले स्टेप में आप कामयाब हो गए. उसके ऊपर अगर प्रॉफिट्स आते हैं तो फिर 4 चांद लग जाते हैं. तो ये हर फिल्म 100 करोड़ शायद नहीं कर सकती, शायद उससे आगे भी कर सकती है. मैं रिव्यू के टाइम पे भी पब्लिक ने कहा है कि ये मिडिल क्लास को बहुत ही रिलेट करती है. बहुत सारी मूवी आती है पर टच नहीं कर पाती, पर ये लोगों को टच कर रही है मूवी. ऐसा कमेंट सुन के कैसा महसूस कर रहा हूँ? यही लगता है कि यार ये आदमी सुरेश त्रिवेणी जो है जादूगर है. अब उनको बोलने दीजिए कि कैसा लग रहा है. विज्ञापन की दुनिया में साबुन तक बेचता हूँ, यहाँ पे उसमें भी मज़ा आता है. ये मेरे लिए पहली बार, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं ना, एक से एक बैठे हैं दिग्गज. सो इस टाइप का रिएक्शन चाहता था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चाहता था कि क्योंकि इतने पैशन से बनाई है, इतने प्यार से बनाई है, चाहता था कि लोगों को पसंद आए. और अभी जब मैसेजेस आ रहे हैं, मैं क्रिटिक्स के बारे में नहीं बात करूँगा, मैं इंडस्ट्री के बारे में बात करूँगा, मैं नौसिखिया हूँ, लेकिन जब लोगों तक ये फिल्म जा रही है और जो मैसेजेस आ रही हैं, वो इट्स अनबिलीवेबल. और मैं इस फेस में थोड़ी देर रहना चाहता हूँ. मैं तो चाहता था कि कुछ थोड़ा सा नेगेटिव दिखाऊं, इनके सामने हुआ नहीं मुझसे. मैं बहुत कोशिश कर रहा था. नहीं,
ये बड़ी किस्मत वाली बात है कि मैं अपने घर में अपने मिरर में खुद को देख के बोल सकता हूँ मैं कर सकता हूँ यार, मैं भी कर सकती है बट वो बट आपका कहना अलग बात है, लेकिन लोगों का देखना आपके अंदर वो गुण कि आप वो डिलीवर कर सकते हैं, ये आपको एक स्पेशल आँख चाहिए उसके लिए। मैं वेट कर रहा था 1.5 साल और ये स्पेशल आँख इन दोनों की थी जिन्होंने सबसे पहले टिक किया, अप्रूव किया कि ये कर सकता है। एंड जेन्युइनली जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और उसमें वो लाइन पढ़ी कि मेरा पति तो गाय है और मैंने कहा कि मैंने अभी तक कायपोचे की है, वजीर की है, अभी गाय कैसे हो जाऊंगा और ये इनका जादूगरी है कि सच में मैं गाय हो गया था और वो सब उस बात पे काफ़ी हंसते भी हैं कि हाँ वो तो अशोक तो गाय है। हमारी खोज जो थी वो थी संजीव कुमार की, तो जब हम बात कर रहे थे अशोक का रोल कौन करेगा, तो यू नो समबडी सेड इन द मीटिंग की आइडियली अगर संजीव कुमार साहब अगर होते तो उनको कास्ट करते, तो हमने नंदिनी से कहा जो हमारी कास्टिंग डायरेक्टर है कि लुक फॉर द नेक्स्ट संजीव कुमार, तो मुझे नहीं पता, अगर पता होता तो हर फिल्म में मैं यही करती हूं। ये कोई फॉर्मूला नहीं होती मेरे ख्याल से, यू नो कभी कभी वो मैजिक हो जाता है जब सब कुछ हर चीज़ का एक किस तरह से मैं कहूँ ईमानदारी से प्यार से अगर आप फिल्म बनाओ तो मुझे लगता है कि फिल्म अच्छी निकल के आती है। पर सब का ईमानदार होना और सब का इसमें प्यार के साथ काम करना ज़रूरी है, सिर्फ एक इंसान करे तो फिर वो बात नहीं बनती। नहीं नहीं मैं कुकर थोड़ी ना है। जब भी कोई भी किरदार चुनती है तो सबसे अलग होता है, सबसे अलग करने की कोशिश करती है वो, फिर सिल्क स्मिता हो या फिर दुर्गा रानी सिंह हो, तो क्या थॉट प्रोसेस होता है जब किसी भी किरदार को चुनती है? मैं बहुत जल्दी रेस्टलेस हो जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ चीज़ों से, तो हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं कुछ अलग करूँ ताकि अपने आप को मैं यू नो मनोरंजित कर सकूं। करेक्ट? नो अपना मनोरंजन कर सकूं मेरे हिंदी टीचर हैं पर आई थिंक इस वजह से मैं अलग अलग किरदार करना चाहती हूं हमेशा और मुझे उस तरह के किरदार मिलते भी हैं। सो अभी कितना रिलीफ और हैप्पीनेस मिल रहा है, कितनी सक्सेस मिल रही है, सबकी अप्रिसिएशन मिल रही है, ऑफ कोर्स मैं तो नाच सकती हूँ, इतनी खुशी हो रही है। विद्या जी अब हम देख रहे हैं फिल्मों के अलावा लोग वेब सीरीज पर भी आ रहे हैं और वेब सीरीज पर भी काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं बड़े-बड़े एक्टर भी वेब सीरीज में हाथ आजमा रहे हैं, तो आपको भी देखेंगे? मैंने एलिप्सिस एंटरटेनमेंट को बता दिया है कि आप जरा सोचो, मैंने उनको चुनौती दी है कि आप कुछ ऐसा मेरे पास ले आओ हाँ जिसे हम वेब सीरीज बना सके, हम जरूर बनाएंगे। मैम जैसे वेब सीरीज की भी दौर चल रही है, शॉर्ट फिल्म की भी दौर चल रही है, नए नए लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है, तो कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में शुरू होने वाले हैं, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा? कोलकाता फिल्म फेस्टिवल तो खत्म हो चुकी है, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल कोलकाता। ओहो अच्छा, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल बहुत अच्छी बात है कि आई थिंक यू नो आप 30 सेकंड में भी एक विज्ञापन में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, शॉर्ट फिल्म में भी कर सकते हैं, फीचर लेंथ फिल्म में कर सकते हैं, वेब सीरीज में कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अब कोई दायरा नहीं है कि आपको अगर एक कहानी सुनानी है तो 3 घंटे की या 2 घंटे की ही कहानी सुनानी पड़ेगी। अच्छा अतुल जी एंड विद्या जी आप सभी से रिएक्शन जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से फिल्म इतनी लोगों को पसंद आ रही है, हमने देखा फिल्म बहुत ही अच्छी, स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी, लेकिन फिल्म कहीं ना कहीं हमने देखा कि फिल्म ऑनलाइन भी आ चुकी है, हम लोगों को ट्रेनों में और मोबाइल पे हमने फिल्म को देखा है, लोग फिल्म को देख रहे हैं, तो पायरेसी हाँ फिल्म आ चुकी है, हमने भी देखा ट्रेनों में लोग देख फिल्म को देखा, तो इस पर क्या टेक होता है आप लोगों को? इतनी अच्छी फिल्म जब बहुत दुख होता है, मुझे तो गुस्सा भी आता है कि क्यों हम यू नो मैं लोगों से कहती रहती हूँ कि मत देखिए ना उन प्लेटफॉर्म्स पे, 8 हफ्ते बाद बाकायदा टीवी पे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जब रिलीज़ होगी तब देखिए फिल्म, अब मज़ा है कि आप थिएटर में जाके देखें। मेरा ये मानना है कि जो लोग
किसी भी मूवी को ऐसे इलेजिटिमेटली या इलीगली देखते हैं वो रियल लाइफ में सिनेमा के अप्रिशिएटर्स नहीं हैं, क्योंकि अगर आप सिनेमा के सही कंज्यूमर हो, अगर आप सिनेमा के सही लवर हो, देन यू विल गो टू द बिग स्क्रीन एंड वॉच द फिल्म। जैसे कल मुझे किसी ने मैसेज किया और एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और उनको आई गॉट रियली एंग्री, तो उन्होंने लिखा कि मैंने तुम्हारी फिल्म जो है ना देख ली, डिजिटल में देखी, फ़ोन पे देखे, बोलो अपने इंडस्ट्री वालों को थोड़ा सेक्टर में, बोला तुमने देखा क्यों तो पहली बार। और दूसरी बार मेरे को इस बात से ये आता है कि हम हमेशा कंप्लेन करते हैं एज ऑडियंस, एज पीपल, कि यार अच्छी फिल्में क्यों नहीं आ रही, अच्छी फिल्में क्यों नहीं, जब तो अच्छी हम बनाने की जिम्मेदारी तो है हमारी, मैं भी एक ऑडियंस हूँ, मैं बनाता हूँ फिल्में, लेकिन हम सब ऑडियंस हैं, कंज्यूमर हैं, लेकिन देखने की जिम्मेदारी भी बनती है। अगर आप ऐसी फिल्मों को अगर आप मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं, उससे बड़ा इनजस्टिस हो ही नहीं सकता। फिर आप एक्सपेक्ट मत करिए कि अच्छी फिल्में कैसी आएंगी, वो सब वो कमर तोड़ देती है इंडस्ट्री। जस्ट इन द मेकिंग ऑफ दिस मूवी टोटल नंबर ऑफ आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियन मस्ट बी 1000। सो 1000 लोग हैं जिन्होंने इस पिक्चर पे काम करी है, उनके घर हैं, उनके बच्चे हैं घर पे, इट्स एन इंडस्ट्री। उसके आगे देयर इज द डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स एंड इट्स अ सेकंड सेट ऑफ इंडस्ट्री। इट्स वेरी इरिस्पॉन्सिबल टू डू दिस। तो अभी है पायरेसी, each time we get a notice we tell the series and they tell their people for rocking ki koshish hai, but it's a big problem. So I think jaisa Suresh ne kaha, agar main kabhi dekhta nahi, if it's illegal I don't watch it, period. I think it's important to understand what you're doing is wrong. Illegal to hai hi, but at a moral level it's wrong. Main ek baat bolu, aisi filmein jo hai, agar aap ऑडियंस के साथ एक खचाकच भरी हुई, मैं गया था लास्ट वीक, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि एक हाउसफुल था, जब लोग साथ में हंसते हैं, जब लोग साथ में रोते हैं, जब लोग साथ में एक्सप्रेस करते हैं, वो एक्सपीरियंस कभी भी आपको एक छोटे से मीडियम में नहीं आ पाएगा। इससे बड़ी बदतमीजी कुछ नहीं है, मैं यही बोलूँगा। मानो सर आपको ये मूवी में दिखाया है कि बहुत गाय जैसे, सिंपल गाय जैसे, तो निजी जिंदगी में आप वैसे ही सिंपल है या थोड़ा? मैं बहुत अच्छा, इससे पहले कोई भी जवाब दे, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं बहुत सीधा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं सीधा सीधा चलता हूँ, सीधा सीधा देखता हूँ। आई एम ए नाइस गाय एंड ये बहुत अच्छे एक्टर हैं। जब आपने एंट्री मारी तो एक अलग ही अंदाज में थे, तो सबसे का हम देख रहे थे आपके चेहरे पे, वो ऐसे करना चाहेंगे कुछ, जिस तरह से आप कुछ बजा रहे थे, आप बताइए, दिखाइए। हां दिखाओ ना। मैं कुछ बजा नहीं रहा था, विद्या जी भी एक्साइटेड हैं तो कुछ दिखा। मैं ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकती। वेट मुझे पता है क्या करेंगे। हाँ, मैं कर सकती है। okay, तो आफ्टर सल्लू, सल्लू के बाद क्या देखने मिलेगा आगे? सल्लू फिलहाल तो मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं क्या करने वाली हूँ, पर आई थिंक एक दो हफ्ते में वो डिसीशन ले लूंगी, फिर आपको बताऊंगी। अरे प्रोड्यूसर से शांति शांति क्या हो रहा था, वो डेट वेट तुमने कहा था कि आज ही बता देगी? नहीं नहीं, कुछ प्लान करेंगे हम लोग, अभी 3 हफ्ते जाने दीजिए, दिल नहीं देने थे, देने पड़े, बठठा बड़ा। अरे अभी तक मूवी नहीं देखी क्या रे? आओ थिएटर में आ जाओ और देखो, हम सबसे मिलो, आपको हम बहुत अच्छे लगेंगे। क्योंकि हम अच्छे हैं, हम तो ऐसे ही। और अगर आपने एक बार मूवी देखी है, मैं गारंटी देता हूँ, अगर दूसरी बार देखेंगे आपको ऐसी ऐसी चीजें पता लगेंगी फिल्म में जो आप मिस कर गए थे, तो अगर आप एक बार देखिए दूसरी बार ज्यादा मजा। हाँ एक्चुअली मैं बोलना ही चाहती थी, मेरा ना मन हो रहा है आपसे फिर से मिलने का, आ जाओ ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।